हेलो व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ इमली की चटनी। इमली की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए इमली। मैंने ली है 150 ग्राम इमली, जो कि सीड्स के साथ है। अगर आपके पास इमली सीडलेस है तो आप उसको 100 ग्राम कर लें। मेरे पास ये 150 ग्राम बीजों के समेत इमली है। उसके बाद मेरे पास है शक्कर। शक्कर मैंने ली है 1 कप। इसके बाद ये है चीनी, चीनी है 1/2 कप। ये है नमक, नमक आपको चाहिए 1 टीस्पून, और उसके साथ ही ये काला नमक है, ये है 1/2 टीस्पून। यहाँ पे ये जीरा है, सफ़ेद जीरा। सफ़ेद जीरा मैंने लिया है, ये 1/2 टीस्पून है, और ये जो है ये 1 टीस्पून जीरा, जो कि मैंने ब्राउन करके और इसको पीस लिया है। लाल मिर्च पाउडर है 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून ये कुटी हुई लाल मिर्च है। गरम मसाला मैंने लिया है, ये सिर्फ 1/2 टीस्पून है। काली मिर्च है 1/2 टीस्पून, और ये जो है ये है हींग। हींग मैंने 1/4 चाय का चम्मच लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा। इसके अंदर सौंठ जाता है, लेकिन मेरे पास इस वक्त सौंठ नहीं है, जो कि अदरक का पाउडर होता है, तो मैंने ये अदरक लिया है 1 इंच का टुकड़ा, और इसको मैं इसका जूस इस्तेमाल करूँगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इमली की चटनी बनाने के लिए चाहिए। जब मैं इमली की चटनी बनाना शुरू करूँगी तो इस जीरे को फ्राई करने के लिए बिल्कुल हल्का सा आपको 1 टीस्पून ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी, और इमली को भिगोने के लिए आपको 1 कप गर्म पानी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। अब एक बर्तन में इमली आप ले लें, जिसमें आपने इसको भिगोना है, और 1 कप गर्म पानी इसमें शामिल कर दें। इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें इसमें। ये मैंने इसमें इमली बहुत अच्छी तरह मिक्स कर ली है। अब इसको कम से कम 20 मिनट के लिए आप छोड़ दें, और उसके बाद इसमें से बीज निकाल के सारे, और ये जो पीछे पल्प बचेगा इसको हमने ग्राइंड करना है। अब 20 मिनट के बाद इसको अच्छी तरह से मसल के जितने भी इसके बीज हैं ये सारी गुठलियाँ निकाल दें। अब इसके सारे बीज निकाल दिए हैं मैंने, और ये इस तरह का कप है मेरे पास। अब इसको मैंने ग्राइंड करना है, बिल्कुल बारीक पेस्ट बना देना है। आप इस चीज को मेक श्योर करें कि इसमें कोई बीज ना जाए। अगर कोई बीज रह गया तो वो इस ग्राइंडर के ब्लेड्स को भी तोड़ सकते हैं। इसके साथ ही ये जैसे जैसे आप इसको करते जा रहे हैं, इसको एक सिप के अंदर छन्नी में डालते जाएं, और अब जो बाकी बचा है उसको भी ग्राइंड कर लेती हूँ। इसको आप बिल्कुल अच्छी तरह से छान लें। ये तकरीबन सारा पल्प मैंने इसमें से ये जूस निकाल लिया इमली का। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करें,
इसको फिर मज़ीद हिला हिला के इस तरह से भर दिया जाए इसका जूस। अभी मेरे पास सारा इमली का पल्प आ गया है, अब इसको मैंने पकाना है, तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले अपने पैन में एक टीस्पून के करीब ऑयल डालें, और जब ये ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें डाल दें सफेद ज़ीरा। ज़ीरा जैसे ही थोड़ा सा ब्राउन हुआ है तो इसमें फ़ौरन डाल देंगे हींग। इसको हल्का सा पकने दें। अब इसमें डालेगा ये जेमी का पल्प बना के रखा है, ये डालें। अब इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। ये जो मैंने अदरक ली थी इसको मैंने पीस के और इसका अच्छा सा जूस निकाल लिया है, थोड़ा सा पानी शामिल कर लिया है मैंने, इसको भी इसमें मिला दें। अब इस स्टेज पे इसमें मैं डालूंगी शक्कर। और साथ ही साथ चीनी भी जाएगी। इसको अच्छी तरह मिक्स करें। अगर आप शक्कर नहीं डालना चाहते सिर्फ चीनी डाल लें, चीनी की मिकदार ज़्यादा कर दें, और इसी तरह से अगर आपको सिर्फ शक्कर में बनानी है तो चीनी निकाल दें इसमें से, और थोड़ा सा एक के बजाय डेढ़ कप कर लें अपनी शक्कर। अब मीडियम आंच पे इसे पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं डालूंगी लाल मिर्च पिसी हुई और कुटी हुई, गरम मसाला, ये जो मेरा धनिया ज़ीरा था पिसा हुआ ब्राउन किया हुआ, नमक काला नमक और काली मिर्च। अब इन सबको मिक्स करके इसको मज़ीद मैं कम से कम 10 मिनट तक पकने दूंगी, जब तक कि ये गाढ़ी नहीं हो जाती। अब इसको 10 मिनट गुजर गए हैं पकते हुए और देखें ये काफ़ी गाढ़ी हो गई है, और जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये मज़ीद गाढ़ी होगी। तो मैं इसको इसी स्टेज पे इसका चूल्हा बंद करती हूँ। और ये मेरी इमली की खट्टी मीठी चटनी तैयार है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।